हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक, तो इस परिवार के सदस्य बन जाएं और आने वाले सारे सेशन आप आसानी से देख पाए और सारे सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर दबाते हुए आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लें। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। चाहे तो आप इन बारकोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिंक भी हमने दे दिया है ताकि आप, क्योंकि इसी नाम से कई जो है वो अनऑफिशियल यानी फर्जी चैनल भी बने हुए हैं, तो वो चैनल से आप बच सके इसीलिए हमने आपको यहाँ पर जो है वो हमारे ऑफिशियल चैनल का जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आप सही चैनल को ज्वाइन कर सके। तो आज आइए फिर करेंगे शुरुआत आज के सेशन की। और सारे बच्चे पढ़ने में ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये समय है पढ़ाई का, वरना जिंदगी भर फिर बातें ही करते रहोगे और लोग आपकी बातें करते रहेंगे। अब आप देख लो कि आप लोग आपकी बात कैसे करें, एक तो आपके नेगेटिव संदर्भ में करें कि पढ़ा लिखा बीएड करवाई और अब यही फिर है नौकरी को लाग पाया, या आपका एक पॉजिटिव संदर्भ में लोग चर्चा करें कि पढ़ के लिखे और गढ़गांव नाम रोशन कर दियो भाई है। आपको ये तय करना है कि आप किस संदर्भ में चाहते हो कि लोग आपकी बात करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए विद्वान साथियों, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है पूर्ण कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर है 8 नंबर, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार, और फिर चैप्टर नंबर 9 है कल संविधान में राजस्थान का योगदान, और फिर चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों में कल साथ में ही करवा दूंगा। 9 और 10 जो है ये दोनों चैप्टर कल आपको एक साथ करवा देंगे, तो कल हम इस चैप्टर को, इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कक्षा 7 कंप्लीट हो जाएगी कल अपनी, और फिर परसों से अपन कक्षा 8 जो है शुरुआत कर देंगे। रंजीत चौधरी जी कैसे हैं, जय माता दी, स्वागत आपका। और नीरज शर्मा जी कैसे हैं आप, सुमन जी स्वागत आपका, मोनिका कुमारी जी स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। देखते हैं कि इस समय राजस्थान में क्या क्या जो है वो सुधार के लिए कार्य किए गए। आखा तीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी मां से पूछा। मां ने जवाब दिया कि यह है हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हो गई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। जूही नाम की एक बालिका है जिसने अखबार में न्यूज पढ़ी कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे विवाह होते हैं, और उन बहुत सारे विवाह में जो अधिकतर विवाह होते हैं वो आप सब जानते हैं कि बाल विवाह होते हैं, और यह खबर पढ़कर वो अपनी माँ से पूछ रही है कि ये क्या है मामला, बाल विवाह वाला मामला है क्या। तो माँ उनको बताती है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि पुराने समय से ही प्रचलित थी, और आगे वो चर्चा करती है। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो शर्म और कार्य विभाजन पर आधारित था, सकारात्मक व्यवस्था थी। यानी अगर हमने भी पढ़ा है, जब हमने एनसीईआरटी पढ़ा है तो हमने पढ़ा है ना कि प्राचीन समय में जो जाति व्यवस्था थी वो कैसी थी। वो कार्य के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होता है, आप सबको पता है कि धीरे धीरे जो है ये जाति व्यवस्था कैसी हो गई, ये जाति व्यवस्था में जो है वो परिवर्तन आता है, और यह जो है वो जन्म के आधार पर हो जाती है, और तब से लेकर आज तक जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर ही चल रही है। धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति
समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते हुए कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज के अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह है, जैसे कि सती प्रथा है, जाति प्रथा है, कन्या वध है, दास प्रथा है, जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई और तत्कालिक समाज सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इन्हें दूर करने की दिशा में जो है वो कार्य करने प्रारंभ कर दिए। देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब ने इतिहास पढ़ा है और शुरू से आज तक बहुत सारे परिवर्तन हुए। हालांकि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो एकाएक नहीं होता है, एक दिन में या एक रात में या एक महीने में या एक वर्ष में नहीं होता है। परिवर्तन को जैसे हमें केवल मात्र आजादी प्राप्त करने में ही 200 साल का समय लगा, यानी केवल अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने में हमें 200 साल तक जो है वो संघर्ष करना पड़ा। तो सोचिए कि ये परंपराएं जो है ये तो मानव की सभ्यता से ही चलती आ रही है, हजारों वर्षों से, कई हजारों वर्षों से ये परंपराएं चली आ रही है। आपको याद होगा आपके बचपन की बात, अगर आप अपने मामा जी की शादी में गए हो तो, अगर आपने अपने बचपन में कई शादियां देखी होगी आज से 20-25 साल पहले, तो क्या होता था कि लड़के के दादा और लड़की का दादा मिलकर कहीं चाय की दुकान पर चाय पीते पीते ही विवाह तय कर देते थे कि मारे छोरू है धारे छोरी है, तो दोनों को कर दे। बोले हाँ कर दे, आपा हो गया आज से संबंधी, आ लो चा मेरे नाम की पियो, मीठो मुंड हो गयो। घरे आगे कह देता सगड़ा ने, कह मैं छोरी को ब्याह मांडिया हूं और छोरा रोज को दादो हो तो वो घर जाए कह दे। तो लड़की और लड़की को पता भी नहीं होता था कि उनका विवाह कब होने वाला है। और बहुत सारे तो ऐसे उदाहरण देखे हैं कि लड़का भी 7-8 साल का है, उसको पता ही नहीं है कि विवाह होता क्या। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं बदली, बाल विवाह से अरे थोड़ा लोग जो है वो शिक्षित हुए तो एज के अकॉर्डिंग विवाह करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो अरेंज मैरिज के स्थान पर जो है वो लव मैरिज होने लगी। अब लव मैरिज तो हो ही रही है साथ साथ में, अब जो है वो किसी का भी दादा या दादी ऐसे नहीं करते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की से विवाह तय कर दे, आज हर लड़के और लड़की से पूछा जाता है। तो ये जो सामाजिक बदलाव आ रहा है ये एकाएक नहीं है, इसमें भी बड़ा लंबा संघर्ष चला है। सोचिए उस पहले व्यक्ति के बारे में जिसने सोचा होगा कि मेरे विवाह में स्टेज प्रोग्राम होगा, यानी मैं अपनी पत्नी को माला पहनाऊंगा, उस व्यक्ति का कितना विरोध किया होगा लोगों ने, है ना। सोचिए उस पहली बहू के बारे में जिसने ये सोचा होगा कि मैं जो हूं घूंघट नहीं रखूंगी। तो ये समाज धीरे धीरे स्वीकार करता है। पहले बहुत सारी बुरी बातें भी बनाई जाती है कि फलानी छोरा ब्याह होगा स्टेज पर माला पहराई, मैं तो आज तक ऐसा काम कौन था क्या, यही पढ़े लिखे है गए ना, आई पढ़ाई है गांगी खुले मुंडे की आई है गए ना, ऐसी बहुत सारी धीरे धीरे बातें होती थी समाज में। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया वैसे वैसे जो है वो क्या होता गया, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती गई और लोगों ने इन सामाजिक परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने इस सामाजिक परिवर्तन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और यही समाज में परिवर्तन है, इसी तरीके से ही तो समाज में परिवर्तन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सामाजिक सुधारकों की बात करते हैं। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप नीति के चलते जो सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। देखिए, अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानते थे कि हम भारत के तो है नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, और अगर हम भारतीय जनता के सामाजिक मामलों में, अगर भारतीय जनता के हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं हमारे लिए घातक ना हो जाए। और जब इन्होंने किया तो ये घातक भी साबित हुए। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताने के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का जो है वो प्रयास किया। विधवा विवाह कितना, आपने एक मूवी देखी होगी अगर आपको याद है तो, प्रेम रोग नाम की एक मूवी आई थी,
थोड़ी पुरानी मूवी है, अगर समय मिले तो कभी फिर से देखना। जैसे अभी एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल, उसी तरीके की एक मूवी थी प्रेम रोग, और उस मूवी के अंदर एक विधवा की जो स्थिति दिखाई गई है उसमें आपको वास्तविकता दिखाई गई है। उस मूवी को देखकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि एक महिला जो विधवा हो जाती है उसको कितनी सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, और वो यातना देने वाला कोई और नहीं है, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के परिवार वाले, उन्हीं का समाज है। लेकिन ये सारी चीजें भी क्या करती है, ये सारी चीजें ही जो है वो समाज में परिवर्तन लेके आती है, और धीरे धीरे हम सही चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा उन्मूलन की चर्चा करते हैं। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया, हालांकि वो असफल रहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके बाद अकबर ने भी किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर जो है लॉर्ड विलियम बेटिक, नाम याद रखना, लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जो सती प्रथा गैर कानूनी घोषित हुई वो कहां हुई, जयपुर राज्य में, जयपुर राज्य में, और जयपुर के संरक्षक समिति के प्रयास से सती प्रथा निषेध कानून जो है पारित किया गया। इसके पश्चात जो है देखो, सबसे पहले जो है सती प्रथा को जयपुर के अंदर जो है क्या किया गया, रोक लगाई गई। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा पर जो है वो रोक लगी। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो कन्या वध प्रतिबंध की बात करते हैं, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्या वध को रोका, यानी कोटा ने सबसे पहले कन्या वध पर जो है वो क्या लगाया, रोक लगाया। पुराने जमाने में अगर आप अपनी दादी से पूछोगे तो बताएगी आपको, विशेष तौर पर राजपूत समाज में, वैसे तो सारे ही समाजों में होता था, लेकिन हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो हमें बताते थे कि अगर किसी के घर में बच्ची जन्म लेती थी तो जो दाई होती थी उसको जन्म देने वाली, वो ही उसको मार देती थी। उसको ऐसे निर्देश दिए होते थे कि अगर लड़की होती है तो मार दीजिए, और लड़का होता है तो जश्न मनाया जाता था। हालांकि ये सबसे बड़ी कुप्रथा है, और इसी कारण आज जो है वो हम जो है वो लैंगिक असमानता का सामना कर पा रहे हैं। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्य ने भी इस प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया। आज का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक लगाई। अब ऑप्शन कैसे आता है, देखो ऑप्शन आता है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। अब इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या होगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। अब इस क्वेश्चन पर आपका उत्तर क्या होगा, भाई हम तो ये पढ़ के जाते हैं कि सबसे पहले तो कोटा ने रोक लगाई थी, कोटा तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा दिमाग कहता है ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन हमेशा कंपटीशन पेपर में जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है, तो इन ऑप्शन में सबसे पहले रोक कौन लगा रहा है, बीकानेर, तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसलिए इनको याद रखना कि कोटा के बाद बीकानेर ने, बीकानेर के बाद जोधपुर ने, जयपुर ने, और फिर उदयपुर ने जो है वो, और फिर अलवर ने जो है वो इन कन्या वध पर जो है वो क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं, तो देखिए बाल विवाह एवं अमेल विवाह, 35 का दुल्हा, 35 का दुल्हा और 8 साल की दुल्हन, ऐसा होता था, एक समय था जब ऐसा होता था, एक समय था जब ऐसा होता था कि 30 का दुल्हा और 10 की दुल्हन,
सोचिए उस कन्या के ऊपर क्या बीतती होगी, कितनी उसको, उस लड़की को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और उनका मेल कैसे बैठ पाता होगा। तो ऐसी जो चीजें हैं वो क्या है, समाज के लिए घातक थी और इसीलिए इनको जो है रोकना भी बड़ा जरूरी होता था, इसीलिए इनको जो है वो रोकना भी क्या होता था, बहुत ज्यादा जरूरी होता था। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवैसक बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई और 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने जो है बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून जो है बनाया। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने यह जो है कानून बनाया। हाँ कहीं कहीं हो सकती है लेकिन ना के बराबर ही है। इसके बाद बात करते हैं तो दास प्रथा। राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खास तौर पर बात करते हैं, अगर जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर के अंदर जो है वो दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। आपको याद होगा एक नाम आता है, क्या नाम आता है, एक नाम आता है आपका रूठी रानी है ना। इसके साथ भी बहुत सारी दासियां दहेज में आई थी और उन्हीं दासियों के कारण ये रूठ गई थी। आपको पता है उनकी एक दासी उनके पति, पहले क्या था, राजा महाराजा जो थे ना वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो जिस क्षेत्र को जीत लेते थे वो सारे उनके दास बन जाते थे। कुछ दास जो है वो जन्मगत भी होते थे, दासों की भी अलग अलग कैटेगरी थी और ये दासों का जीवन कैसा होता था इसकी तुलना आप अगर करना चाहें तो मैं बताऊं कैसी हो सकता था। जैसे किसी ने अपने घर के अंदर पिंजरे में एक तोते को बंद कर रखा है, कुछ लोग पालते हैं ना तोता पिंजरे में बंद करके रखते हैं, ठीक वैसी ही उनसे भी कई बेहतर गंदी हालत इनकी होती थी। दास का अपना कोई वजूद नहीं होता था, वो राजा की इच्छा पर ही कार्य करता था, राजा जैसे कहता था उनका मालिक जैसे कहता था वो वैसे ही कार्य करता था। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा जो है मिल गया। दासों की संख्या के आधार पर कल और परिवारों की प्रतिष्ठा और उच्चता का आंकलन किया जाता था, यानी किसके पास कितने दास है। मेरे पास 100 है, वो कहता मेरे पास 150 है, वो कहता मेरे पास 200 है। जिसके पास दासों की संख्या ज्यादा होती थी उसके पास जो है वो ज्यादा वो धनवान माना जाता था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहां सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे, इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर और हाली प्रथा भी कहा जाता था, दास भी कहा जाता था, चाकर भी कहा जाता था, हाली भी कहा जाता था। इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर अधिनियम जो है वो बनाया गया और उस दास प्रथा को समाप्त किया गया। डायन प्रथा, ये एक ऐसी प्रथा थी जो खास तौर पर आदिवासी लोगों में पाई जाती थी। किसी भी महिला को डायन बता दिया जाता था कि ये डायन है, बच्चों को खा जाती है और फिर उसको पत्थरों से लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाता था। डायन प्रथा ये जनरली आदिवासी इलाकों में पाई जाती थी। राजस्थान की कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का जो है प्रचलन अधिक था। क्वेश्चन पूछा जाता है डाकन प्रथा का प्रचलन किन जिलों में अधिक था या किन राज्यों में अधिक था, तो मेवाड़ और कोटा में। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाए और कुछ रियासतों द्वारा इन प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित किया गया। इसके बाद चर्चा करते हैं तो देखिए आते हैं शैक्षणिक सुधारों की चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षा को लेकर क्या क्या जो है वो सुधार किए गए, आइए इसकी भी चर्चा जो है करते हैं।
आ रहा है समझ में? अभी हम कक्षा 7 ही पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक अब की बार में आपको लाइन टू लाइन यानी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से भी करवाऊंगा नोट्स के रूप में। तो यहां पर अगर कोई चीज बच जाती है तो वो वहां पर फिर कवर हो जाएगी, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको किसी भी गाइड या किसी अदर जगह पर नहीं मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पीडीएफ जब आपके पास आती है तो इनको नोट करा करें, और कम से कम उन चीजों को नोट करा करें जो हाईलाइट की हुई हो। शैक्षणिक सुधार की बात करते हैं तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र जो थी वो घरेलू शिक्षा हो गई, गुरुकुल हो गया, विद्या आश्रम हो गया, उपाश्रय हो गया, पाठशाला हो गई, मकतब और मंदिर से हो गए, मठ हो गए, ये शिक्षा के केंद्र थे। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रमुख केंद्र होता था। राजपुताना में भी शिक्षा के विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देशी शिक्षा कहा, और देशी की शिक्षा कहकर इसको संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से जो है वो संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता और दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, यानी 19वीं शताब्दी में दो प्रकार की शिक्षा थी, एक तो अपनी पुराने वाली देशी शिक्षा और इसके साथ साथ जो है वो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचलन किया गया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा के नाम से जो है वो जाना गया। इसके पश्चात पुष्कर, देखो सबसे पहले जो 1819 के अंदर जो शिक्षा का स्कूल जो है वो आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया राजस्थान में, याद रखना ये। और इसके पश्चात पुष्कर, विनय, केकड़ी। अब यहां क्यों खोले गए? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अजमेर जो था वो क्या था, अजमेर जो था वो केंद्र शासित यानी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज राजस्थान में अजमेर मेड़वाड़ा क्षेत्र पर जो था वो अंग्रेजों का क्या था, अधिकार था। बाकी क्षेत्रों पर जो था वो राजाओं का अधिकार था। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कर सकते हैं चाहे तो आप देखिए। लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया और परिणाम स्वरूप सभी स्कूल बंद कर दिए गए। अब स्कूल स्थापित तो हुए, लेकिन अंग्रेज जो अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे भारतीयों को, उसके पीछे उनका एक टारगेट था। वो अंग्रेजी शिक्षा में क्या देते थे, भारतीय धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, इनको तो वो बताते थे खराब, और ईसाई धर्म को अच्छा बताते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे किस लिए, ईसाई बनने के लिए। लोगों को ईसाई बनाने के लिए ये क्या करते थे, मोटिवेट करते थे, ईसाई धर्म की ये शिक्षा देते थे। और जब इस बात का पता लोगों को चला तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और धीरे धीरे ये सारी स्कूलें जो है वो क्या हो जाती है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित बंद हो जाती है। इसके बाद फिर से दोबारा जो है वो इस पे कार्य अंग्रेजों ने शुरू किया। क्या होता है देखिएगा, 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। 1835 में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा, फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर जो है वो राजपुताना की सभी रियासतों के शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। जैसलमेर तब भी पिछड़ा था, आज भी थोड़ा पिछड़ा ही है। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बनाया गया। रियासतों में हाई स्कूल शिक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासक रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध किया गया। अंग्रेजों ने एक चाल चली, इन्होंने दो प्रकार के स्कूल स्थापित किए। स्कूल जो है वो दो प्रकार के इन्होंने खोले, एक तो ऐसा स्कूल जिसमें सामान्य बच्चे पढ़ते थे यानी गरीबों के या सामान्य लोगों के, दूसरे जो थे वो उसमें राजाओं के बच्चे यानी राजाओं के, सामंतों के
और पैसे वाले लोगों के जो उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, ताकि समाज में एकता स्थापित ना हो सके, समाज बटा रहे। सन 1872 में वॉइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर जो अजमेर में मेयो कॉलेज की जो है स्थापना की गई। ये लाइन आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये 1872 में। इसके बाद 1875 और 76 के अंदर जो है वो इसका कार्य जो है प्रारंभ होता है। 75-76 में पहला स्तर पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की जो स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी पंडित जनार्दन राय ने और 21 अगस्त 1937 को की थी। इसके बाद महिला शिक्षा की अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो महिला शिक्षा धीरे धीरे लोगों को लगने लगा। 1857 की क्रांति के बाद महिलाएं भी जो जागरूक होने लगी और उन्होंने अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया, लेकिन इतना आसान नहीं था महिला शिक्षा। महिला शिक्षा मुस्लिम धर्म में तो आज भी आसान नहीं है। जितनी भी हमारी यहाँ पर मुस्लिम बहनें हैं, उन सबको बहुत सलूट है कि वो मेहनत कर रही है, पढ़ रही है। वो इसलिए पढ़ पा रही है कि शायद उनके माता पिता जो है पढ़े लिखे हैं, वरना आज मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूं। मैं देखता था कि मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनको घरवाले पांचवी तक पढ़ाते थे। तो एक बार, ये लगभग 2011 के करीब की बात है, मैंने एक स्कूल में मैं पढ़ाता था और वहां पर कुछ मुस्लिम लड़कियां पढ़ती थी, तो पांचवीं तक तो वो पढ़ी, फिर छठी में उनके घर वालों ने भेजा नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आज उनके घर चल के आते हैं, पूछते हैं क्या हो बात है। तो मैं उन प्रिंसिपल जी के साथ घर पे गया, तो उनके घर वालों ने स्पष्ट कह दिया कि गुरु जी क्यों दिगाने मारसा कांस करो, पढ़ागे के करांगा, अंक पढ़ाई के काम आसी, पांचवी तक पढ़ ली कागज तो ये बांचले सी, अरे बाकी अंक के काम गए, अब मैं आगे कौन पढ़ावा। और उनको हमने बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो आज भी हमारे समाजों में ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम समाज में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बाकी समाजों में भी ऐसा है। जो समाज, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे दूं कि मीना जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर पाई है। क्यों? क्योंकि मीना लोगों ने जो है वो शिक्षा को एक्सेप्ट किया। बाकी जो जनजातियां हैं, जैसे भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, वो आज भी पीछे है, आज भी वो पीछे है। जिस समाज ने शिक्षा को एक्सेप्ट किया, जिसने शिक्षा को स्वीकार लिया, वो समाज प्रगति कर पाया है, बाकी समाज पीछे रहा है आज भी, चाहे कोई भी समाज हो। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्णाकुल स्कूल प्रारंभ किया गया। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम जो है सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1866 में देसी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास हुआ, परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालयों की जो स्थापना हुई। प्रमुख जन नायकों की बात करते हैं, तो राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जन नायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी विशेष जो है प्रयास किया। और इनमें नाम आता है भोगीलाल पांड्या का। भोगीलाल पांड्या को आप सब जानते हैं, राजस्थान के आदिवासियों का मसीहा कहलाते हैं ये, और वागड़ के गांधी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। मैं आपके क्वेश्चन का लॉजिक नहीं समझ पाया हूं। और राशिद जी, बिल्कुल मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो आज आगे हैं, वो आज आगे हैं। और मैं मेरे साथ जितने भी मुस्लिम लड़के पढ़ते थे वो भी आज आगे हैं। जो मैं, मेरा कहने का अर्थ यही है मेरे भाई, किसी समाज के विरोध में मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा आपको ये बात कर रहा हूं कि जिन्होंने शिक्षा को स्वीकार लिया वो
प्रोग्रेस कर पाए हैं, वो समाज में जो है वो अपने जीवन शैली को बदल पाए हैं, जिन्होंने शिक्षा को स्वीकार नहीं किया वो पीछे रह गए। और ओमवीर भरतपुर से आप क्या पूछना चाहते हो, एक प्रश्न सर, डॉक्टर प्रयोगशाला में सबसे अधिक चूहों का प्रयोग करते हैं या मेंढक का? तो सबसे ज्यादा मेंढक का प्रयोग करते हैं, बट ये क्वेश्चन का लॉजिक फिर मैंने समझ नहीं पाया कि इस क्वेश्चन का, इस सेशन से कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया है अकॉर्डिंग टू मेरे ज्ञान। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा मेंढक पर ही प्रयोग होते हैं। बाकी आप बताओ, मैं तो आर्ट्स का बच्चा हूं तो हमने तो कभी प्रयोग किए नहीं है, जो कोई साइंस का बच्चा होगा उसी ने किया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1904 में हुआ था भोगीलाल पांड्या का डूंगरपुर में, और इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की है। पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुई। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट हो गया कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी। इसके बाद आता है नाना भाई खाट, भील थे ये, और सेंगा भाई और काली भाई। इन तीनों की घटनाओं को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों अध्यापक है नाना भाई और सेंगा भाई, और काली भाई इनकी छात्रा है। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए जो है वो कहा, और उनका मान मना करने पर उनकी हत्या कर दी। अब आपके मन में यह बात आ रहा है कि एक तरफ तो सरकार शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ वो स्कूल बंद करवाना चाहती है। एक्चुअली सरकार जो थी वो नहीं चाहती थी, ये यहाँ के शासक नहीं चाहते थे कि आदिवासी लोग जो है वो शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि अगर वो आदिवासी लोग शिक्षा प्राप्त कर जाएंगे और वो भी भारतीय शिक्षा प्राप्त कर जाएंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको रोका भी जा रहा था कुछ क्षेत्रों में। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से जो पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसकी इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका काली बाई जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेगा भाई की रस्सी को अपनी दांतली कहते हैं उसको, दरांतिये को, ऐसी होती है दरांतिया, ऐसा होता है पीछे इसके हत्ता होता है ऐसे पकड़ने का, तो इस दरांतिये से इसको क्या कर दिया, काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी काली बाई पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेंगा भाई, काली बाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने के महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। तो काली बाई से हमेशा ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता रहा है, रास्तापाल की घटना है ये, है ना, रास्तापाल की घटना है। इसके बाद चर्चा करते हैं, देखिएगा, इसके बाद आता है करणी सिंह, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह जो है इनका जन्म होता है 1924 के अंदर, और 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। आजादी के बाद की बात आई है, और सह शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित इन्होंने किया है। और फिर आते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म जो होता है वो 24 अक्टूबर 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ। हीरालाल शास्त्री जो थे वो क्या थे, एक कृषक परिवार में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में समाज सेवा की भावना इनमें मन में रही है, और इन्हीं के कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग करके 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गाँव वनस्थली को अपनाकर अपना कार्य क्षेत्र बनाया, और इन्होंने यहाँ पर जीवन कुटीर नामक, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र को पुनर्रचना हेतु जो है वो प्रशिक्षण देना दिया गया। आगे चलकर प्रजामंडल भी सक्रिय रहे और प्रजामंडल आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हीरालाल शास्त्री, और अपने पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ये वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने जो है स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। इसके बाद आता है रतन शास्त्री। कौन आता है, रतन शास्त्री आता है, देखिएगा, रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है वो जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। रतन शास्त्री भी जो है इन्हीं, और
ये कई सम्मान मिले जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड इनको जो दिया गया, रतन शास्त्री। इसके बाद किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म जो है वो दुलारों का बास झुंझुनू में हुआ था और 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां की जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने जो है आंदोलन चलाया और आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया किशोरी देवी का। और महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया और महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये भाग लेती है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को मामा बालेश्वर दयाल जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त प्रसिद्ध है और इन्होंने भील जनजाति में विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इनके लिए इन्होंने जो जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जल जंगल और जमीन के लिए आंदोलन किसने किए थे? मामा मालेश्वर दयाल ने। तो ये चैप्टर आपका जो है हो जाता है कंप्लीट। आरवी जांगिड, समय इतना ज्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने का समय आपको मिलेगा रीट की परीक्षा के बाद। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि अभी से आप राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दे ताकि राजस्थान जीके आपका कवर हो जाए, क्योंकि राजस्थान जीके कवर होने में काफी ज्यादा जो है वो समय लगता है क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है और रीट के जो सेकेंड पेपर है उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इन सारे सेशन की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल हैं, इनको ज्वाइन करें और हर सेशन की पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगी। इसके अलावा भी वहां पर हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे डाटा है जो आपके रीट के लिए जो है वो काफी सहायक सिद्ध हो गए। देखो साइंस की क्लास तो मैं नहीं लेता हूं, साइंस की क्लास आप चाहें तो साइंस का 6th to 10th जो है वो पढ़ सकते हैं, ये आपके काफी जो है काम आने वाला है। वॉइस प्रॉब्लम मेरे यहां से नहीं है, मेरे यहां से प्रॉपर वॉइस आपको आ रही है। आप अपने फोन में ही चेक करें कि आपको वॉइस क्यों नहीं आ रही है, वॉइस बढ़ाएं अपने फोन की। और ये अपना चैप्टर पूरा हो चुका है, अब अपने चैप्टर रहे हैं 2, वो दोनों चैप्टर मैं कल आपको करवा दूंगा। इसके बाद अपनी कक्षा 7 कंप्लीट हो जाएगी। कक्षा 7 की एक साथ आपको पीडीएफ प्लस कक्षा 7 का एक साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद हम कक्षा जो है वो 8 शुरू करेंगे, परसों से कक्षा 8 शुरू करेंगे। तो अभी हमारे 2 सेशन हो रहे हैं, एक तो रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच बीच में और दूसरा सेशन हो रहा है दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में। तो दोनों क्लासें आप ज्वाइन करें और मनोविज्ञान और SST की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब पूरी हो जाएगी तो हम जो है वो फिर टॉपिक वाइज करेंगे प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी दोबारा से करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने कीमती समय दिया इसके लिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। शुभ रात्रि। फिर